पहले अपना काम बताइए, काम नाम। अच्छा, हमारा काम नाम पूछना चाहते हो? बिल्कुल। अरे धर पर में एक नर मारा खेरो, एक नरबर केरो भाके प्रथम भूप अनिल, सबको ले गाओ करम लपेटा, एक से एक रानी प्रथम के गाओ का जन्म होना बेटी बेटा। नाई संतरों की लागी फाल, माँ भाई के दरवाजा यारे बनवास, अरे बेत चलैया मंझवती को, मोको चालन जगत संसारो जागल पे देगा नलको पचगो, अमर भैया तलवार अरे जा जग भारत में। बारे पर सको रे जब जतियाओ, अच्छा कोरा खाए रे माँ द्वारे पनियन के, एक तिला कौआ मवल के साथ करिय चढ़ाई तान कड़पे। तब क्या हुआ था? क्या घूमा सुतानी था उसका काल हृदय में नहीं, सात समुद्र पार पेड़ खैबर और उस पे बगुली, बगुली के पेट में प्राण। ता देना हाले तू संभाल के रे प्राण, ऐसी अच्छी जी आया रे कहाँ कर रही मैं नहीं संका जिन मरन किये नाए चिटिया मंचूरा मेल। एक बार बतला, हाँ हमारे महाराज ने 12 साल की लड़ाई लिखी है और 13वें साल में केशव देव की शादी होगी, शादी होगी बिल्कुल। सुन 12 साल के दिन 12 दिन में इतनी लड़ाई लिख रही चिट्ठिया में, सब मोकरे मंजूर चिंता में देख लिया यारे जीरा में। और जम लिखा है बरात आवे तो राक्षसा में बरात में बिल्कुल, और परना आवे तो सिर्फ सवार होके हाँ तानवा गढ़ में नलकी ससुरा। अरे सिंह
नहीं, मेरा हाथी बने जन्म हुआ था, मेरी माँ के दूध नहीं उतरा, उस समय सिंगर का पिया लगा, हमने एक का दूध पिया है, इसलिए नाते से मेरे भाई है वो। रिसीपाल ईश्वर पर रहने वाले, ईश्वर पर डंडा रहने वाले, एक कलम मन लिख लिया है 20 रुपया। भैया जब तुरंत सारे मन सफे पावे, पहले पले पुत पे काज, और घर की अम्मा तमे सिंगी तरसे, के पिता रे पुते राजन सुनो हमारी बात कहो, और घर पे जाके अपने भैया से चिट्ठी मत ना कहियो लौटा, जैसे लौटारी तेरे भैया ने, सांच में आज चंद टले सूरज टले टले बेरा प्रीत नल्ला ते टले बचन से ए रब कुल की रीत, रब कुल प्रीत सदाई रे चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, चले कला कोन नर पर चढ़ियो, मेरे नाई अरे चिटिया करिया मंजूर रे जा पिया पान में, अरे बचन मेरा मान लियो थोड़ा, पिया पार से आज घुमाए दो अपने नर पर कोरे घोड़ा, चार पहुंच गए नरवर मेरे जाई, नाई हमारा ये हमारा दरबार है, अच्छा और आप यही बैठे, जो सलवार है तुम्हारी लटक, सलवार नहीं दरबार है, तलवार है दरबार है दरबार, हाँ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, और आप यही बैठिए, और मैं किशन लाल को लिए लेकर के आता हूँ, अच्छा जल्दी करना महाराज, हाँ ठीक है ना, ही ब्राह्मण बैठे राजा नल के अम्ब खास में, अरे बैठे जाइए प्यार मेहरबानो, राजा ने सोचने लगा चच्ची को तो मैं रोक लिया,
शकील अहमद अफलोर अफलोर के रहने वाले क्या रुपया है सौ ए नौतर दे रहे हैं पॉइंट नमस्ते करती है मास्टर जी भैया चाखतन बियारे करू ही लागे पाटत भैया रे पेरिया लागे ए रड़ पे लगत रे मोछ तुवार राजा नल सोचता है अब मुझे अपनी रानी पाप जाना चाहिए क्योंकि रानी भी बिगड़ी चल रही है इस समय अरे शीतल बंद सुगंधा बोल रही कोकिलवानी कनक बदन सतरूप सुगण दो मेहती राम हिरणी जैसे धन के नैना कोल कूतरी ओचरे वाना कसुआ से मोम टुआ सो कमर बनी धन की तकुआस के पर मजता चट छूटे चुआनी के मत रानी छाए रही देख सूरत पत प्यारे की जय जल बेटा पत को भाई सुबह से शाम लौटी घर आए आए सोबत हो तो जागियो सोबत हो तो जागियो जागा तो मुख बोल प्राण प्यारी तुम्हें दी मेरी बजुर के बारे आप तो देखे पीयू नार ने पलंग नवायो अप बैठी मुड़ा नार मोर छरी कोले दी जना सो पत की मोर मर ढोले प्यार शौत को वर्षों में उगी पपिया की प्यासा भक्त प्यारे दर्शन भय भई मेरी पूरण महाराज नमस्कार खुश रही रानी महाराज कही रानी और दिन आहा तो बहुत चेहरा तुम्हारा ज्यादा खुश है रानी अरे खुशी की बात है तो केवल खुश होगा वो कैसे बताना सुना बताते हैं और रानी जब मैं खुशी की बात बताऊंगा आप इतना खुशी होंगी इतना खुश होंगी कि उसका कुछ जवाब नहीं अच्छा तो बहुत खुशी वाली बात है हाँ जी चिट्ठी आई अरे रो खिलई तुम्हें थी मैंने संगल नारे रे
अमर का बेटा है। अभी शादी लायक नहीं है, चुन में उगड़ा करो ना जान मेरो तो। तुम जा सोच रही होगी कि मैं ढोलकोर की शादी रोकी है और नहीं रानी शादी अरे रोक ले मेरी प्याता मैंने सुना अरे लाल पारे अरे भामरे तुम्हें दीपा के सब दे पिपिया से सरना जान पतरे समी जान लगे नार पड़े मेरी प्यारी तुम्हें दी खुशी की मैं क्या कह रानी तुम्हारी यही हिम्मत हो रही है ताकत कृष्णा की शादी बिना मेरे भूजे। अरे तुम कौन होती हो साज से लड़ाई ठकुरानी चाहिए अरे बात अरे मन में जाने आवे जे सैया सोई नाल करते अरे पिहाता रानी से पूछत है बिल्कुल दे रही है अरे तुप का चली जा मेरी भाव जके किसना अरे लाल को मेरी दुल्हन लेके गंगा तू आइए ले ले काट लकिया नाल तो तू का कह रही बोल अरे चल रे मले चक सुनाए रे आजी मने समझ के बोल बोल तू ही कल रे मले चक सुनाए आजी मने ये सुना नरवरिया मेरे कोई अरे
बारे साल की दिक्कत दे ओखा ओखा पाल गई ही रामतार सिंह असलो निवासी ये तस्वीरें लिखी जाएंगे पाई नमस्ते करती है तुम्हारा भैया और भाभी और तुम्हारा किशला नहीं था शामिल होंगे आप क्या चाहते हो चिट्ठी को वापस कर दूं बताऊंगा तुझे
आटा लेकर के आई जमुना भाभी के चली जाओ एक सेर आटा दे देगी भोजन बना के खा लेंगे। क्या हुआ ए फजेत करने वाले भूरे भाई साहब ये तस्वीर दे रहे पांडे मस्त करती है रेशम पाल ज्वाल रहने वाले बीस रुपये देने कलम लिख लिया जाएंगे पार्टी व्यस्त करती है रानी सुनो आप कहती हो ये आपकी बात गलत है सफेद झूठ बोल रही हो तुम्हारी बढ़िया है हाथ के जा पूछो क्यों उसमें कारण था क्या कारण था अरे नार का आ जा तो अरे गाटो और कैया भवज के पास तो नहीं आखिर को वो तुम्हारी बहन के समान थी उसने आटा नहीं दिया कारू का ओ मेरे भूल गए भाभी और भैया तुम्हारे भाई और भैया झूठ भूल गए थे और क्या भूल गए इस समय मैं तुमसे कहा था कि भाभी के पास जाइए आटा लेकर के आइए उस समय शुक्र और ब्राह्मण का रूप बना करके भाभी चमेला के महलों में पहुंचा रात के 12 बजे आवाज लगाई चमेला उठ गया पंडित महाराज रात के 12 बजे महलों में जब भक्त पर संकट होता है जजमान पे तो मुझे जाना पड़ता है मैंने पत्र में देखा है तुम्हारे देवर 12 बार हो चुके हैं शुक्र शनि पीछा किया है और तुम्हें का रूप बना करके और तुम्हारे महलों को शुक्र शनि चराएंगे और वो सिरवर आटा मांगेंगे क्यों राजा रानी बतला रहे थे तो शक्कर शनिचर पास में थे उन्होंने सारी बात बता दी और चमेला भाभी को महका दिया जाने समझिया मेरी भावजा भाभी जा जाना
शुक्र और तुम्हें रूप बना करके आए और मैं सिर पर आटा दे दूंगी। तो इस प्रकार से मेरे देवर बारह बाट हो गए हैं, इसी प्रकार से मैं हो जाऊंगी। ताजे उंटिल मार दैला कचना है तू सुभावी भैया ठाकुरानी मेरे पागली के लिए बात नार मुई दुनिया भूल गई रानी ऐसी करी पर चोरी सिक्का चढ़ाया मैं धनमोत से चोरा चोरी तातिर मर गए ये पोती पियना और मैं नहीं मानी तो उसने कहा था त्यारी है मेरी रे बिछड़ गई सैया जोड़ी एक दिन है जाओगे काया से छोड़ी